हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेडिसिन गुरु में आपका स्वागत है। आज हम मॉक्सीफोर्स सीवी ड्राई सिरप के बारे में कुछ जानकारी बताने वाले हैं। तो हम पहले जानते हैं मॉक्सीफोर्स सिरप, जो कि मैनकाइंड का प्रोडक्ट है। और इसकी हम सॉल्ट की बात करें तो इसमें तीन सॉल्ट होती है, जैसे कि एमोक्सिलिन, पोटेशियम और क्लैवुलेनेट। ये इसकी सॉल्ट होती है दोस्तों। इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये 56 रुपये को आपको किसी मेडिकल स्टोर। अब हम आते हैं इसके यूज की तरफ दोस्तों। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है दोस्तों? इसका यूज हम जैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि निमोनिया हो, किसी बच्चों को अगर निमोनिया हो उसमें कर सकते हैं। कान में संक्रमण हो, यानी कि कान में इन्फेक्शन हो, गले में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो, या फिर ब्लड में इन्फेक्शन हो दोस्तों, इस बीमारी में हम मॉक्सीफोर्स सीवी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, यदि किसी बच्चे को चोट लग जाता है, जख्म बन जाता है, तो घाव को ठीक करने में भी इस मॉक्सीफोर्स सीवी ड्राई सिरप का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना दोस्तों, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों। अब हम आते हैं इसकी डोज की तरफ, मॉक्सीफोर्स की डोज की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, हम इसको 2-3 साल तक के बच्चों को हम 2.5 ml पिला सकते हैं, और बड़े बच्चों को यानी कि 5-6 साल तक के बच्चों को 5-5 ml पिला सकते हैं दिन में 3 बार। और दोस्तों, इस दवाई का यूज़ इसमें दोस्तों ये क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, और इसमें इसके साथ आपको ये डिस्टिल वाटर दिया जाता है, जो इसको में मिलाना पड़ता है दोस्तों। इस दवाई का यूज़ 7 दिन तक, 7 दिन से ज़्यादा ना करें, क्योंकि 7 दिन बाद ये ख़राब हो जाती है दोस्तों। और इस मेडिसिन का यूज़ बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। धन्यवाद दोस्तों।